एक हमारे सब्सक्राइबर हैं विष्णु कुमार, उन्होंने अभी हाल ही में हमें ईमेल करके जो अपना इशू बताया है, इस इशू को देख करके आप चौंक जाओगे और आपने कभी नहीं सोचा होगा कोई लोन एप्लीकेशन जो आरबीआई से ऑथराइज है और वो लोन एप्लीकेशन व्यक्ति के ऊपर 15,000 रुपये का भुगतान ना करने पर लीगल एक्शन ले सकती है, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। माय फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते होंगे प्ले स्टोर पर अनगिनत एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी जो कि व्यक्ति को पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल सेल्फी के बेस पर लोन देती हैं, और वो जो एप्लीकेशन है वो जेन्युइन भी हैं, वो आरबीआई से ऑथराइज भी हैं। इनका काम है व्यक्ति से पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल एक सेल्फी ले लेना और उनको आसानी से 1,000, 2,000, even 20,000 तक चलो हम मान लेते हैं ये लोन प्रोवाइड करा देती हैं। अभी ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक मोबाइल लोन एप्लीकेशन से लोन लिया। मैं मोबाइल लोन एप्लीकेशन का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा क्योंकि ये मोबाइल लोन एप्लीकेशंस क्या हैं, हम तो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, लेकिन ये मोबाइल लोन एप्लीकेशंस व्यक्ति को पूरी तरह से कॉपीराइट स्ट्राइक दे देती हैं, उनकी वीडियो को टेकडाउन करा देती हैं। अब आप एक बात बताइए, चलो व्यक्ति ने लोन ले लिया, अच्छी बात है, आपने उससे वीडियो भी बनवा ली कि हाँ मैं अगर पैसा नहीं दूंगा तो ये है फलाना है, मैं इतना पैसा ले रहा हूँ, ठीक है। व्यक्ति के पास में एक ऐसी समस्या आ गई जिस वजह से व्यक्ति पैसा नहीं दे पाया, राइट, चलो नहीं दे पाया, ठीक, वो जैसे ही उसका काम सुधरेगा, उसके पास में पैसा होगा, वो पैसा पे कर देगा, लेकिन आपको ये राइट किसने दिया कि आप उसकी जो वीडियोज हैं उसको उसके कॉन्टेक्ट में वायरल करो, उसके रिलेटिव को बताओ कि भाई ऐसे ऐसे बात है, इस बंदे ने इतना लोन ले लिया है और ये बंदा ऐसा है। तो अब आप समझ जाओ, जिस मोबाइल लोन एप्लीकेशन पर आप वीडियो दे रहे हैं बना करके, भाई मुझे इतने लोन स्वीकृत हुआ है इस लोन एप्लीकेशन से, ये जो सब चीजें आप कर रहे हैं ना, तो आपकी वीडियो भी वायरल की जाती है। अब आती है 15,000 रुपये के लोन के लिए लीगल एक्शन। जैसे ही मैंने उनका ये ईमेल पढ़ा तो देखो, ये जो वीडियो भेजना ये कोई लीगल एक्शन में नहीं आता। हाँ, अगर आपने कोई लोन लिया है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप एनपीए घोषित कर दिए जाते हो, तो एनपीए के बाद में कोई भी कंपनी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है, लेकिन इन एप्लीकेशन का तो एनपीए वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है। ये तो भैया लोन ही 30 दिन, ये 60 दिन यही लोन दे रही है या फिर बस यही कर रही है ये काम, और इससे ज्यादा क्या कर रही है, तो कोई लीगल एक्शन नहीं है। अगर ये एप्लीकेशन वीडियो भेज रही है आपके कॉन्टेक्ट में, ये गैर कानूनी है। इसके लिए आप सीधा सीधा cybercrime.gov.in पर जाइए और इंस्टेंटली कंप्लेंट लॉक कराइए कि आपको पूरे तरीके से परेशान किया जा रहा है, आपको जो रिलेटिव हैं आपके वहां पर बताया जा रहा है कि आप लोनर हो और आपकी कॉन्टैक्ट वगैरह की प्रॉपर डिटेल्स लेकर के ये सब चीज़ें की जा रही है। इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया जाए और जो भी आप कंप्लेन करेंगे उस कंप्लेंट्स की डिटेल्स आप उस एप्लीकेशन को इमीडिएट बेसिस पर भेजिए, देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ऐसे चुप बैठने से, ऐसे डरने से कुछ भी नहीं होगा। ये कोई लीगल एक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये के लिए ले लिया इस लोन एप्लीकेशन ने मेरे ऊपर लीगल एक्शन। क्या ले लिया, ये कोई लीगल एक्शन होता है, नोटिस आया है कोई, कुछ नहीं आया ना। तो गाइज इसी प्रकार से ये व्यक्ति को डराती हैं लोन एप्लीकेशन, इसी प्रकार से व्यक्ति को धमकाती हैं, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आप किसी बैंक NBFC से लोन लिए हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, आपको वीडियो से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो आप हमसे इंस्टेंटली सपोर्ट ले सकते हैं 24/7। हमारी जो ईमेल आईडी है jaijanshakti@hotmail.com, उस पर आपको एक ईमेल करना है, ईमेल में अपना नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है और आपका जो करंट इशू है वो लिखना है। जैसे ही आप हमें ईमेल करेंगे आपको तुरंत ईमेल का रिप्लाई मिलेगा, लगभग मतलब 48 आवर्स मान लीजिएगा। रिप्लाई मिलने के बाद में आपको हम कॉन्टैक्ट करेंगे और आपका एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया जाएगा और उस अपॉइंटमेंट पर आपको कॉल की जाएगी जो भी आपको टाइमिंग मिलेगा, और आपको एक मिनिमम सा अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा और आपकी जो समस्या है ऑन कॉल ही हम शॉर्ट आउट करा देंगे। तो बस यही कहना चाहूंगा, अगर आपने भी किसी बैंक NBFC से लोन लिया है किसी प्रकार का, तो आप डरें घबराएं ना, पे नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। कोई दिक्कत परेशानी आ भी रही है तो आप हमारे जयजन शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इसी प्रकार की वीडियोज लेकर के आते रहते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, धन्यवाद।